बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और वायरल पेंडेमिक में अपना और अपने प्यारों का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो हमारा जो ये पहला लेक्चर है जो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सेंड करने जा रहा हूँ, लेकिन ये लेक्चर हमारा 16th लेक्चर काउंट होगा, क्योंकि 15 लेक्चर्स वी ऑलरेडी कम्प्लीटेड बिफोर दिस यू नो वायरल पेंडेमिक हैपेंड। तो 30-35 मिनट्स का वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड में आपको सेंड करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए कोई टाइम फिक्स कर लेंगे थ्रू आर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड देन वी कैन डिस्कस थिंग्स। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस दोस। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलोजनी एंड सिस्टमैटिक्स। तो एज ए मलेक्युलर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, लेट मी टेल यू समथिंग दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट टू एस्टैब्लिश अ फाइलोजनी, बिकॉज एज एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट वी डू नॉट वॉन्ट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीशीज, बट एक्चुअली वी वॉन्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द अमंग द ऑल लाइफ ऑन अर्थ, आई मीन द लाइफ विच वर डेड मिलियंस ईयर्स अगो and the life which is present today. So it is not easy, it is very difficult. So how we do it systematically. Systematically doing means that we have data from various sources, and the data from various sources which reinforce the information from the another end, ek dusre ko reinforce karta hai jo data, us data ko hum use karte hue लाइफ को हम उसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम फाइलोजेनेटिक्स या मलेक्युलर फाइलोजेनेटिक्स की तरफ जाएं और उसको प्रैक्टिकली करें, उससे पहले हमें उस डेटा और सोर्सेज को समझना ज़रूरी है कि वो जो सोर्सेज होता है डेटा, वो किस तरह के सोर्सेज हैं हमारे पास आता है और वो कितना ऑथेंटिक है और उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, आई मीन इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज otherwise anyone can say you with the you know false things and can confuse your mind. तो इसलिए आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो डेटा जो डिफरेंट सोर्सेज से आता है वो कहाँ से आता है, कौन कौन सा होता है, और हाउ ऑथेंटिक दैट डेटा आर, और हाउ टू इंटरप्रेट एंड हाउ टू इंटरलिंक दैट डेटा, हाउ वी यूज दैट डेटा टू री इन्फोर्स द अदर डेटा फ्रॉम द अदर सोर्स, राइट। ओके, तो एक जो मोस्ट कॉमन सोर्स है जिसको हम फाइलोजनी में या ये जो रिलेशनशिप हम डेवलप करना चाहते हैं बिटवीन ऑल द लाइफ ऑन अर्थ, उसमें से एक बड़ा कॉमन सोर्स है वो है फॉसिल्स। तो जो फॉसिल रिकॉर्ड है, इसको डेटे को हम जियोलॉजिकल टाइम के साथ रिकॉर्ड करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो क्या हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड्स, एंड दिस इज़ अथेंटिक, यू नो आई हैव टोल्ड यू कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं। तो हम एक स्टेट में इसको कह सकते हैं कि जो सेडिमेंटेशन होती है वो मिलियंस ईयर्स में होती है, स्लोली होती है, और जो सी फ्लोर में या एट द बॉटम ऑफ द सी जो लाइफ डेड होती जाती है, हम सी से इसलिए स्टार्ट ले रहे हैं क्योंकि लाइफ वॉज स्टार्टेड इन द वाटर, तो हमें वहाँ से स्टार्ट लेना होता। तो रिवर्स में भी इवन, खैर सी इज़ द बिगेस्ट सोर्स, क्योंकि एट द स्टार्ट मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद द सीज, एंड इवन टूडे द 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड अंडर द सीज। तो इसलिए हमें ये बेहतरीन सोर्स होता है। ओके तो इसमें जो सेडिमेंटेशन होती है वो आपको पता है लेयर बाई लेयर होती है, ओवर मिलियंस ईयर्स में होती है, और जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं वो ऊपर वाली लेयर से डेफिनेटली पहले ही डिपॉजिट हुई होती हैं, देर इज़ नो अदर वे। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि कोई सुनामी आ जाता है या कोई हैवक, कोई अर्थक्वेक आता है तो कोई बाहर निकल आती है, तो वो एक छोटा पोर्शन होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि पूरी अर्थ जो है उसकी 71% जो सी है उसके नीचे जितना भी सेडिमेंटेशन है वो सारी अपसाइड डाउन हो जाए और हम कहें कि लो जी ये तो सारा इंफॉर्मेशन ही हमारी गलत है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो हम एक चीज़, दूसरी चीज़ जो फॉसिल रिकॉर्ड हम किसको कहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्म है। एक चीज़ होती है फॉसिल, फॉसिल क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ लाइफ, फाउंड प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स, विच रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स। आप हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फॉसिल क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ द
लाइफ इन द रॉक्स, आई मीन प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स. तो वो कौन सी रॉक्स होती हैं? एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, राइट. ओके, तो फॉसिल, अगर आपको कोई एक टूथ मिल जाता है किसी जानवर का, किसी का कोई स्कल मिल जाता है, किसी का कोई भी बोन मिल जाती है, या फॉसिल्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, मैं आपको आगे चल के दिखा रहा हूँ. समटाइम्स हमें ऑर्गेनिज्म ही फॉसिलाइज्ड हुआ मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं फॉसिल. लेकिन जब हम बोलते हैं ना फॉसिल रैकेट, तो फॉसिल रैकेट से हमारी मुराद है कि हमें मोर देन वन इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पीछे पढ़ा है स्पीसीएशंस वगैरह होती हैं, जैसे स्पीशीज होती हैं डिफरेंट, तो अगर कोई एक स्पीशी है, अगर कोई स्पीशी इस्टेब्लिश हो गई है, तो उसका एक अच्छा खासा नंबर मौजूद होगा. तो जब वो स्पीशी एक्सटिंक्ट होगी, उसकी आई मीन उसके हमने पढ़ा पीछे के यूजली एक स्पीशी जो है वो 5 मिलियन ईयर्स तक रहती है, तो उस 5 मिलियन ईयर्स के अंदर उस स्पीशी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते चले जाएंगे, से फर्स्ट मिलियन ईयर में जो डेड होंगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो वो उसी तरह से यानी लोअर अपर 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 सेडिमेंटरी रॉक्स में उनकी डेड्स जो हैं, बॉडीज जो हैं, या वो प्रिजर्व होती जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस ऑन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ. उसकी जो फॉसिलाइजेशन होगी वो डिफरेंट होगी. किसी की कहीं पर हमें सिर्फ उसकी बोन्स मिलेंगी, कहीं पर वो बोन्स भी फॉसिलाइज्ड हो चुकी होंगी, मीन्स वो रॉक ही बन चुकी होंगी, लेकिन अपनी शेप को बस मेंटेन रखेंगी. अगर वो कहीं जैसे एंटार्क्टिक आइस में या इस तरह की किसी जगह पे प्रिजर्व हो गया, तो फिर हमें उसकी बेटर फॉर्म में मिल जाएगी. ऐसे फॉसिल्स हमें मिले भी हैं कि हम उनका ब्लड और डीएनए भी आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से वो जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है सिक्वेंशली सीरीज में, बहुत सारा नंबर जो हमें मिलता है फॉसिलाइज्ड, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, उस कंप्लीट सेट को हम कहते हैं फॉसिल रैकेट. तो वो फॉसिल रैकेट जो होता है वो जियोलॉजिकल टाइम के साथ ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाता है. जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट मिलियन ईयर में जो डेट, तो उस फर्स्ट मिलियन ईयर में जो सेडिमेंटेशन हो रही होगी वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगा, और जो सेकंड मिलियन ईयर में हो रही होगी वो वहाँ पे अपर लेयर में, और फिर उससे अपर लेयर्स में थर्ड वाला और फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, तो ऐसे वो चलता चला जाएगा, ठीक है. सो दैट्स हाउ द फॉसिल रैकेट इज फाउंड इन द सेडिमेंटरी रॉक्स. एंड जो इसमें हमारा टेक होम मैसेज है इस स्लाइड में, वो ये कि जो नीचे वाली लेयर्स में है वो पुराना ही है ऑफकोर्स, और वो कोई एक अदा नहीं होता, वो पूरा रैकेट होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म रैकेट, मीन्स इट्स नॉट वन पीस ऑफ द फॉसिल, इट्स अ होल स्टोरी ऑफ मिलियन ईयर्स. अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो फॉसिल रैकेट है डायनासोर्स का या दूसरों का एज ए सैंपल. ये एक फॉर्म है जो इस वक्त हम देख रहे हैं फॉसिल रैकेट की. इसमें एक्चुअली जो राइट साइड पे पिक्चर है आप उसमें देख रहे हैं कि वो जो उसके जो पाँव के जो क्ला मार्क हैं वो वहाँ पर फिक्स प्रिजर्व हो गए हुए हैं, ठीक है. तो इसमें एक्चुअली कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, इससे सिर्फ हमें उसकी एक उसका जो पाँव का निशान है सिर्फ वही मिल रहा है, हमें उसकी कोई बॉडी का कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, ठीक है. तो ये भी एक किस्म की फॉसिलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है. फॉर एग्जाम्पल, इससे हमें पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म था ये दो पाँव वाला था, ठीक है, और इसने जो इसके दो मार्क हैं, फुट मार्क, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें बताता है कि इसका साइज कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है, और इसके इसका वजन कितना हो सकता है. मींस एक्सपर्ट्स कैन टेल अस कि ये कितना बड़ा साइज था, इसकी जो गेट थी, जो इसका वॉकिंग स्टाइल था वो कैसा था, ठीक है, और इसके जो पंजे हैं वो हमें बता देते हैं. आपको पता है कि जो आप क्या उसे कह सकते, आई मीन जो गोश्त खोर होते हैं, कार्निवोरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पंजे और तरह के होते हैं, और जो घास खाने वाले होते हैं उनकी और तरह की उनकी हूव्स होती हैं, ठीक है. तो ये डिपेंड हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके हमें देता है कि इसके इसका इसकी फूड जो थी वो क्या थी और ये किस तरह का था, ठीक है. तो ये इन्फॉर्मेशन तरह से राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो हमें खैर स्कल ही नज़र आ रहा है, लेकिन दिस स्कल इज आई मीन यू कैन नॉट गेट इट आउट बिकॉज ये मट्टी में मिलके मट्टी हो चुका है, लेकिन उसका इम्प्रिंट सा जो है वो मौजूद है. ये एक दूसरा फॉसिल है जो एक लीफ हम देख रहे हैं. तो यहाँ पर भी लीफ इटसेल्फ नहीं है, आई मीन लीफ वॉज प्रेजेंट हियर, तो उसने जब लीफ वहाँ पे गिरा तो वो वहाँ पे इम्प्रिंट छोड़ गया है. तो यहाँ पर हमें इससे पता चलता है तो ये जिस रॉक में ये मौजूद है, अगर हम ये पता कर लेंगे ये रॉक कितनी पुरानी है, तो उससे हमें पता चलेगा कि उस वक्त आई मीन से दिस रॉक इज 1 मिलियन ईयर ओल्ड और 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड, तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर इस तरह के जो थे वो प्लांट्स मौजूद थे, यानी उनके लीव्स इस तरह के स्ट्रक्चर वाले थे, तो उनकी वेन्स थी जैसे आप ये देख रहे हैं लीफ, ठीक है. तो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है उसके बाद. एनीवे, ये एक स्कॉर्पियन है, ये एम्बर में
प्रिजर्व है, आप देख रहे हैं ये फुली प्रिजर्व है, इसको भी बाहर आप नहीं निकाल सकते, इसके अंदर ये फिक्स हो गया है, अब इसको तोड़ेंगे तो शायद ये टूट जाए। ओके, ये एक बहुत ही बेटर फॉर्म में हमें मिल रहा है फॉसिल, जो एक फ्रोजन मैमथ है। मैमथ जो हैं वो एंसेस्टर थे एलिफेंट्स के। ओके, तो हमें ये काफ़ी बेहतर फॉर्म में है, तो इससे हम और डिटेल स्टडी कर सकते हैं, हमने ऑफ कोर्स की भी है। ये एक और फ्रोजन मैमथ है, ठीक है, ये एक फ्रोजन ह्यूमन फॉसिल है, आप देखें कि इसके मसल्स भी हम स्टडी कर सकते हैं और बहुत डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हैं, इंस्टेड के हम दूसरी कोई जैसे वो लीफ का आपने पीछे देखा, उसमें हम इतनी डिटेल स्टडी ज़ाहिर नहीं कर सकते। इन दिस केस वी कैन स्टडी इवन जीनोम इफ़ वी हैव एक्सेस टू द डीएनए। डायनासोर्स की हम बात कर रहे थे, तो ये वंस आई विजिटेड अ जू इन जिगोंग चाइना। जिगोंग इज कॉल्ड द बर्थ एंड डेथ प्लेस ऑफ द डायनासोर्स इन चाइना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो, खैर पूरी दुनिया का ये मैप आप देख रहे हैं, इसमें ये जो डिफरेंट डायोड से लगे हुए हैं लाइट्स, जो पॉइंट्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका में आप देख रहे हैं, एशिया में भी देख रहे हैं, साउथ अमेरिका में भी, तो ये सारी, तो इन सारी जगहों पे डायनासोर्स थे। ठीक है, तो ये एक राइट साइड पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये उस म्यूज़ियम का एक फ्लोर है, तो इसमें ये डिफरेंट डायनासोर्स की जो बोन्स पड़ी हुई हैं, ये इस तरह से आई मीन डिग्रेडेड हो चुकी हैं, मिट्टी में मिलके मिट्टी हुई हुई हैं ये, कि इनको बड़ी मेहनत से आई मीन ब्रश से निकाला गया है, और अगर हम इसको यहाँ छुएंगे निकालेंगे तो हो सकता है ये टूट जाए, तो इनके टूटने का ख़तरा, इसलिए उन्होंने पूरे फ्लोर को ही प्रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बोन्स हैं जो आप देख रहे हैं राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, तो उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें जो है वो स्केलेटन मिल गया है। ठीक है, तो राइट साइड पर आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, तो हमारे भी, हम भी कभी ऐसे ही बन जाएंगे जैसे ये डायनासोर्स आप देख रहे हैं ना, तो इसलिए इस बात को याद रखना चाहिए। एनीवे, तो ये एक जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्लाइड नंबर 12 के ऊपर, ये एक सी में रहने वाला डायनासोर है, मतलब डायनासोर ज़ाहिर हर तरह के थे, डायनासोर से हम जनरली मुराद लेते हैं कि वो बड़े बड़े जानवर जो अराउंड 65 मिलियन ईयर्स फ्रॉम टुडे गो अर्थ के ऊपर थे, और उससे पीछे भी लाइक 200-300 मिलियन ईयर्स अर्थ के ऊपर वो रहे हैं, तो उनकी डिफरेंट फॉर्म्स थी, कोई हर्बीवोरस थे, कोई कार्निवोरस थे, कोई पानी में रहने वाले थे, कोई उड़ने वाले थे, तो डिफरेंट तरह के थे। तो ये भी आप देख रहे हैं, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एग्स हैं डायनासोर्स के, ये भी मिट्टी में मिलके मिट्टी हो चुके हैं, आई मीन देयर इज नो एग, वी कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस, यानी एज ए सैंपल हम इसमें से लेके, लेकिन हम कुछ बायोकेमिस्ट्री और कुछ बायोकेमिकल एनालिसिस वगैरह करके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बता रहा था कि हमें जो हमारा सैंपल होता है उसको हम रॉक, जिस रॉक में से हमें फॉसिल मिलता है, उस रॉक को हमें पता करना होता है कि ये कितनी पुरानी है, क्योंकि ऑफकोर्स जितनी पुरानी वो रॉक है उतना ही पुराना वो उसके अंदर जो फॉसिलाइज मटेरियल है वो हो सकता है, तो इसके लिए हम उस जो प्रोसेस को हम कहते हैं डेटिंग करना। ठीक है, तो इसमें दो तरीके हैं, एक रिलेटिव डेटिंग है, रिलेटिव डेटिंग से मुराद हमारी ये है कि हमने कुछ सिस्टमेटिकली आई मीन द एक्सपर्ट्स पीपल, उन्होंने क्या किया कि हमें डिफरेंट इरास में डिवाइड कर दिया अर्थ को। आपको बताया कि जो अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स गो प्लैनेट अर्थ बना था, तो हम उसको एक इरा है, हम उसको डिफाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन इरा। तो वो अर्थ की आई मीन फ्रॉम फर्स्ट डे आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म्ड उससे लेकर 600 मिलियन ईयर्स अगो आई मीन फ्रॉम टुडे, आज से 600 मिलियन ईयर पीछे चले गए। तो एक्चुअली जो 600 का हमने यहाँ नंबर इसलिए रखा हुआ है कि हमें जो फॉसिलाइज्ड रिकॉर्ड मिला है और हमने जो डेटिंग की है बहुत सारी दूसरे मेथड्स के जो बड़े अथेंटिक हैं जिसके हम आगे जाकर जिक्र करने वाले हैं, हमें पता चला कि जो अर्थ के ऊपर कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 600 मिलियन ईयर से शुरू हुए, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड यूकेरियोट्स और दूसरे प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, वो हमें बहुत ही डाइवर्स फॉर्म्स में हमें इस वक्त में मिलना शुरू हो गए। हाँ, हमने आपको बताया था पीछे कि जो तकरीबन अराउंड 2.3 बिलियन ईयर्स को अर्थ के ऊपर एक इवेंट हुआ था जिसको हम ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट एक्चुअली इट हैपेंड ड्यू टू द सम बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द साइनोबैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो जो साइनोबैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो अर्थ के ऊपर 3.8
8 billion years ago, I mean from today, उससे वो इवॉल्व होना शुरू हो गए थे एंड दे स्टेड हियर ओवर मोर देन 1 billion years. डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी करती रहे, उससे अर्थ के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आई जो हमने पीछे हिस्ट्री ऑफ अर्थ में पढ़ी हैं. ठीक है, तो 600 million years का ये हमने मार्क यहाँ पे इसलिए लगाया. तो उसके बाद एक पेलियोज़ोइक एरा है जो हम 543 से 245 million years तक लेके जाते हैं. इस एरा में जो है वो डायनासोर्स मौजूद थे. ठीक है, उसके बाद मीसोज़ोइक एरा आ जाता है. मीसोज़ोइक एरा में भी डायनासोर थे. ये जो 64 million ईयर का हमने नंबर दिया है ना, इस वक्त एक्चुअली एक बड़ी मेजर एक्सटिंक्शन हुई थी. हम आगे जाके मास एक्सटिंक्शन भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से लाइफ के ऊपर जो फाइलोजनी है, मींस जो ट्री ऑफ लाइफ है, ऑल लाइफ इज कनेक्टेड टुगेदर, उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया उन इवेंट्स ने जो मास एक्सटिंक्शन में कह रहा हूँ. ठीक है, तो ये 64 million ईयर्स तक जो है वो आप कह लीजिए कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे. ये 245 से 64 मीसोज़ोइक एरा में डायनासोर्स ने राज किया अर्थ के ऊपर. राइट, तो फिर जो मास एक्सटिंक्शन हुई उसके नतीजे में बड़े जानवर, पानी वाले, हवा वाले और जो लैंड के ऊपर चलने वाले थे, ऑलमोस्ट वो सभी मारे गए थे. उसके बाद सेनोज़ोइक एरा है. तो सेनोज़ोइक एरा जो है वो 63 million ईयर फ्रॉम आई मीन टुडे बैक से लेकर ये 10,000 साल तक पीछे जो है वो, इसमें हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं. अराउंड हम जो ह्यूमन हैं, हमारे जो इंसेस्टर्स हैं, वो भी 6 million ईयर्स अगो पहले इवॉल्व हुए थे. ठीक है, तो ये सारे जो मेजर एवोल्यूशनरी चेंजेस हुई हैं वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जो हम गए हैं वो इस एरा में गए. ठीक है, तो ये अब हमें आइडिया है, ये इसको हम कहते हैं रिलेटिव. अब हमें पता है कि जो कौन सी रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, वो किस एरा से बिलोंग करती हैं. ठीक है, तो अब हमें अगर कोई फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है तो हम सिंपली आई मीन विदाउट डूइंग एनीथिंग वी कैन मेक एन असेसमेंट कि क्योंकि हमें ये फलां जगह से मिला है. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कब हुआ? 2.3 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, तो अगर हमें कोई उस ग्रेट ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो चीज़ बनी थी वो क्या बनी थी? आयरन ओर्स बनी थी. ठीक है, आपको पता है कि जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई तो उसमें जो वाटर सोलबल आयरन था उसने ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाया और वो आयरन ऑक्साइड नीचे डिपॉजिट होता चला गया. हमने पीछे पढ़ा है ये रेड अर्थ की जो है हिस्ट्री. तो उस वक्त यानी इस अर्थ के ऊपर जितनी भी आयरन ओर्स हैं वो अराउंड 2.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं. तो अगर हमें कोई लाइफ का, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हमें कोई फॉसिल मिलता है आयरन ओर्स के अंदर, फॉसिल रैकेट मिलता है, रैकेट से मुराद कि आयरन ओर्स जो हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया में हैं आयरन ओर्स, पाकिस्तान में भी हैं आयरन ओर्स, अमेरिका में भी हैं, चाइना में भी हैं, वो सभी 2 से लेकर 2.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं. उनके अंदर अगर हमें कोई भी फॉसिल रैकेट मिलता है किसी भी किस्म का, तो वो हमें फौरन पता चल गया कि वो 2 और 2.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड हो सकता है. आई मीन हाँ, मिलेगा नहीं उस वक्त उसके ऊपर कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं थी, सिंपल साइनोबैक्टीरिया ही थे. ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई मिलता है तो इसका मतलब है कि वो इतना पुराना हो सकता है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव डेटिंग. ठीक है, बट इट इज़ एन असेसमेंट. राइट, ओके, तो ये जो हम उस असेसमेंट बेस्ड हमने एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल चार्ट जिसको मैं बता रहा था कि हमें पता चल जाता है, तो ये हमने एक बनाया हुआ है. तो अगर आप इसको नीचे से ऊपर देखें तो ये फॉसिल रैकेट, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि फॉसिल रैकेट, तो रैकेट से मेरी मुराद है कि आयरन ओर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आयरन ओर्स फ्रॉम चाइना, आयरन ओर्स फ्रॉम पाकिस्तान, चूँकि ये सभी एक ही वक्त में बनी थी, तो इन सब के अंदर जो फॉसिल आइस मटेरियल मिलेगा 2.3 बिलियन ओर समझा जाएगा, और वो उस वक्त का हम उसे कहेंगे ये फॉसिल रैकेट है. ठीक है, तो वो डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट पॉइंट से हमें मिल रहा होगा. राइट, तो ये किसी एक जगह से हमें एक आधा पीस नहीं होता कि हम, ये मैं इसलिए आपको बात समझा रहा हूँ कि हम इसको फॉसिल रिकॉर्ड को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पीस नहीं होता. हमें ऐसा नहीं होता कि वो एक आधा छोटा सा पीस है. एक आधा तो अगर होता तो शायद हमें फॉसिलाइज हो ही ना पाता, हमें मिलता ही नहीं. ठीक है, अच्छा, ये जो जियोलॉजिकल चार्ट है, अगर आप इस पर गौर फरमाएं तो नीचे से ऊपर जाते हुए आपको ये सबसे नीचे जो है जिसमें कोई लाइफ आपको नज़र नहीं आ रही, 5 जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं नंबर्स लगे हुए हैं, उसमें सबसे नीचे है 2.5 बिलियन. तो इसमें ये आर्कियन, ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया और जो आर्किया थे दूसरे, और उसके ऊपर 542 मिलियन ईयर्स जो है वहाँ से आप देख रहे हैं कि वो कैम्ब्रियन एरा शुरू हुआ है. तो उससे पीछे वाला जितना भी एरा है उसको हम 542 से पीछे को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा. तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं थी, ओनली आर्किया और साइनोबैक्टीरिया जैसे छोटे सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो मौजूद थे. ठीक है, और उसके ऊपर जो है ये जो पेलियोज़ोइक
इरा है, इसके अंदर जो है वो शेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट किस्म के थे। इसमें से ट्रायलोबाइट्स वर द फर्स्ट वन। अब ट्रायलोबाइट का जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो हमें सिर्फ कोई ये नहीं कि मुल्तान शरीफ से मिल रहा है, कोई एक आधा निकल आया है तो हम कह रहे हैं कि जी लो जी ये ऐसे, तो हमें पूरी दुनिया से मिल रहा है। पूरी दुनिया की वो रॉक्स जो 488 टू 542 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, उन सब से हमें ट्रायलोबाइट्स मिल रहे हैं। तो ट्रायलोबाइट्स स्टेड ऑन अर्थ फॉर मोर देन 100 मिलियन ईयर्स। तो 100 मिलियन ईयर्स में उनकी जो उन्होंने फ्लरिश किया होगा, उनकी बहुत सारी पॉपुलेशन होगी, तो वो हमें फॉसिलाइज होके मिलती है। ठीक है, तो फिर उनसे फिर दूसरे इवॉल्व होना शुरू हुए। फिर आप ये देख रहे हैं कि जो 252 मिलियन ईयर है, जहाँ से मीज़ोज़ोइक एरा शुरू हो रहा है, उस वहाँ पर एक लिखा है कि एक गाइगेंटिक किस्म की एक्सटिंक्शन हुई। ठीक है, उसके बाद एक और बड़ी एक्सटिंक्शन हुई जो 65 मिलियन, जिसको मैं रेफर कर रहा था। हम आगे जाके इनको देखेंगे कि कैसे एक्सटिंक्शन क्या होती है और इसके कौन से फैक्टर्स थे और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हम उसके बाद ऊपर आ जाएँ 10,000 ईयर्स। तो अर्थ के ऊपर जो मॉडर्न ह्यूमन है वो बिल्कुल नया है और हमारा हम बिल्कुल अर्थ के ऊपर नए हैं। खैर, दिस चार्ट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल चार्ट, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव डेटिंग करने के लिए कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अपने घर के गार्डन में कोई ट्रायलोबाइट का मिल जाता है फॉसिल, सरफेस पे ही पड़ा हुआ मिल गया आपको, बेशक वो ज़मीन से नीचे से खोद के नहीं निकला आपने, एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ इट हैपेंस, तो इसका मतलब है कि आप समझ जाएंगे कि दिस इज समथिंग 400-500 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो हमने फ़ौरन उसको डेट कर लिया बगैर कुछ किए, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव डेटिंग। राइट, ओके, दूसरा मैथड जो अथेंटिक्स में जाता है वो एब्सोल्यूट डेटिंग है। एब्सोल्यूट डेटिंग एरर फ्री तो नहीं है, मतलब देयर इज स्टिल एरर, लेकिन ये एरर बहुत ही मिनिमम है, ये एक्यूरेट है। और जब हम डेटिंग करते हैं तो हम एब्सोल्यूट डेटिंग तो हम एक बार नहीं करते, वी डू इट 1,000 टाइम्स। और ये एटॉमिक डेटा होता है, ये बिल्कुल अथेंटिक होता है। इसको हम देयर इज नो वे कि हम इसको नेगलेक्ट कर दें और कहें कि ये सही नहीं है, इट्स नॉट इनफ और व्हाट, राइट? ओके, तो ये कैसे होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, यू नो कि सभी जो एलिमेंट्स हैं उन सब के अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। अनस्टेबल हम इनको इसलिए कहते हैं कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है, एटम के न्यूक्लियस में यूजुअली, फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट कार्बन 12 इज द स्टेबल आइसोटोप ऑफ द कार्बन, और ये सबसे ज़्यादा अर्थ पे पाया जाता है। क्यों सबसे ज़्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये स्टेबल है, और इसके जो दूसरे आइसोटोप्स हैं वो अनस्टेबल हैं, इसलिए वो टूट कर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, टूटते क्यों हैं? क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो वेन एवर देर इज एन अनईक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, वो फिर उनका जो चार्ज न्यूक्लियस का होता है उसको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली होता है ये कि प्रोटॉन्स अपना चार्ज न्यूट्रॉन्स को शिफ्ट करते रहते हैं, ताकि अदरवाइज प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, तो फिर न्यूक्लियस फट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, हमने देखा कि न्यूक्लियस तो स्टेबल रहता है। तो इसमें क्या होता है कि चार्जेस शिफ्ट होते रहते हैं, तो न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होगा तो चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो फिर वो एक वही जो सिचुएशन होती है जो अनबैलेंस हो जाता है, और फिर न्यूक्लियस के ऐसे न्यूट्रॉन्स जो है वो निकलता है। तो जब न्यूट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन्स भी निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, तो उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर चेंज होता है, न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है। तो चेंज होकर वो जो स्टेबल है, तो ऐसा नहीं होगा कि कार्बन 13 या कार्बन 14 जो है वो टूट कर कार्बन 12 की तरफ जाएंगे, नो, वो टूट कर किसी भी दूसरे एलिमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो कोई भी बड़े एलिमेंट्स टूट कर कोई भी नए दूसरे एलिमेंट्स बना सकते हैं, राइट? ओके, अब जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इन एलिमेंट्स का जो डीके होता है, जो डिग्रेडेशन होती है, इसका एक रेट होता है, और वो रेट हर एलिमेंट का फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब आज से बिलियन ईयर्स अगो भी वो वही रेट था, अब भी वही है। तो हम उस रेट को कि किस रेट से वो टूटता है, हम उसको एक पैरामीटर बना लिया हमने अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ ओल्ड दैट थिंग इज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कार्बन को हम इसलिए यूज करते हैं डेटिंग में क्योंकि कार्बन इज फाउंड इन ऑल लाइफ। कार्बन इज द ऑर्गेनिक एलिमेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होता है उसके अंदर कार्बन होता है, तो इसलिए हम जो है ओके अब देखें इस वक्त हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब इस वक्त और आज से 100 ईयर्स अगो या 50 ईयर्स अगो, इन सब के अंदर जो कार्बन 14 है, जो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हमारे अंदर, हमारे सब के अंदर है,
उसका एक प्रपोर्शन है। अब जब हम आज मर जाएंगे तो वो हमारे अंदर वो कार्बन जो है 14 जो अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तो वो डिग्रेड होकर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अंदर 100 एटम्स हैं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर मेरे अंदर 100 एटम्स हैं कार्बन 14 के और जब मैं मर जाऊँगा तो वो 100 से 50 होने में यानी 50% उसको डिग्रेड होने में अराउंड 4500 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, तो कार्बन की हम उसको कहते हैं हाफ लाइफ, यानी कि उस टाइम जिस टाइम में वो उसका डिग्रेड होके हाफ रह जाता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो वो हाफ लाइफ जो है, तो अब एक हाफ लाइफ मींस, टू हाफ लाइफ मींस 9000 ईयर्स, राइट, और थ्री हाफ लाइफ इस तरह से, फोर हाफ लाइफ, तो ऐसे वो हर हाफ लाइफ में हाफ होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चलेगा। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें देखें कि 50% रह जाएगा, तो हम नीचे जो एक्स एक्सिस है उसमें लिखा हुआ है 1, फिर आगे लिखा हुआ 2, तो 3, तो हाफ वो पहले में 50% हुआ, फिर उसका 50% होके 25 रह गया, फिर उसका 50% होके 12.5 रह गया। ठीक है, तो उसका मास कम होता चला जाएगा ओवर टाइम रेडिएटिव आइसोटोप का, और वो एक खास रेट है उसमें, टाइम हमेशा सेम लगेगा। तो हम उस नंबर ऑफ हाफ लाइफ से पता चल जाएगा कि डॉक्टर आमिर साहब जो थे वो कब मरे थे। ठीक है, इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड टू नो, वैसे आजकल गूगल का ज़माना है तो आप, यू डोंट नीड टू डू दैट, यू कैन फाइंड ऑन गूगल कि व्हेन आई डाइड, COVID-19 इन्फेक्शन से सर्वाइव कर गया था कि नहीं कर गया था। खैर, एनीवे, ओके, तो ये कुछ दूसरे एलिमेंट्स हैं जिसकी एग्जांपल है यूरेनियम जो है, इसकी जो हाफ लाइफ देखिए कितनी है, ह्यूज है, यानी अर्थ के ऊपर जो यूरेनियम बना था उस वक्त जब अर्थ बनी थी, एक हाफ लाइफ अभी हुई है ऑलमोस्ट। इस तरह से जो यूरेनियम 235 है उसकी हाफ लाइफ 713 मिलियन ईयर्स है। ठीक है, इस तरह थोरियम है, प्लूटोनियम है, तो ये इनकी हाफ लाइफ्स है। तो ये हाफ लाइफ हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा था कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, क्योंकि समटाइम्स उनके अंदर कार्बन नहीं होगी क्योंकि वो लिविंग स्ट्रक्चर नहीं थे, तो इसलिए हम फिर दूसरे एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, दूसरे एलिमेंट्स को देख सकते हैं कि उनकी कितनी हाफ लाइफ उनकी गुजर चुकी हैं। तो जिस मटेरियल की हम डेटिंग कर रहे होंगे, हम उसमें देखेंगे कि स्टैंडर्ड जो प्रोपोर्शन होता है उससे कितना है। अगर उससे हाफ है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक रॉक मिलती है उसमें जो यूरेनियम है वो स्टैंडर्ड यूरेनियम के प्रोपोर्शन से, यूरेनियम 35 जो है उसके प्रोपोर्शन से हाफ रह गया है, तो इसका मतलब है कि वो रॉक 730 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ हाफ लाइफ से उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे उसके प्रोपोर्शन से जो उस वक्त उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, ओके, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सेडिमेंटेशन हुई हुई है, और ये इस वक्त इट रिफ्लेक्ट्स के दिस ह्यूज माउंटेन वाज वंस अंडर द सी, राइट, तो फिर जो है ना कुछ ऐसा हुआ कि ये बाहर निकला। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर मैं रुकूँगा, क्योंकि इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो है कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट और फाइलोजनी। हमने पीछे पढ़ा था कि कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, तो हम यहाँ पर अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि जो फाइलोजनी है, मींस लाइफ अर्थ के ऊपर जो है उसका जो हम ट्री बनाना चाहते हैं कि वो कौन किसका क्या लगता है और कब कौन था अर्थ के ऊपर, तो इसकी ना कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट ने इसको बड़ा इम्पैक्ट किया, क्योंकि ये एक मेजर इवेंट है जिसमें अर्थ जो है वो बड़े लाइक डिफरेंट कॉन्टीनेंट्स में टूट गई थी। उससे पहले एक सिंगल कॉन्टीनेंट था और फिर वो टूटा और टूट कर आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया, और मतलब अचानक से नहीं हुआ, इट टुक मिलियन ईयर्स। तो वो मिलियन ईयर्स के प्रोसेस में जाहिर है उस वक्त जो लाइफ होगी उसने भी उसको इन्फ्लुएंस किया होगा। तो ये वाला जो सेकंड लेक्चर अब इसके बाद मैं आपको रिकॉर्ड करूंगा वो इस पे होगा कि कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट का फाइलोजनी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर मास एक्सटिंक्शन आएंगी। तो आपने अपना जो स्पीसिएशन वाला लेक्चर हमने पढ़ा था आपने उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि what factors cause the speciation? For example, adaptive radiation हमने पढ़ा था, ठीक है, sympatric speciation थी और allopatric speciation थी, वो क्या होती, कौन से factors होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम I'm going to discuss those here कि how continental drift became the reason for those factors to happen and to cause the speciation and extinction of the speciation, old species gone, new species came, how it happened on earth, ठीक है, इस तरह से। तो ये फिर लेटर हम ये जो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कौन। तो आज हमने जिस सोर्स की बात की कि जो सिस्टमेटिकली हम रिलेशनशिप डिवेलप करना चाहते हैं
पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के बीच, तो उसमें एक जो डाटा होता है वो फॉसिल का होता है, और फॉसिल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है, वो डिनाई नहीं की जा सकती कि ये कितना पुराना है। ये इन्फॉर्मेशन भी ऑथेंटिक होती है, तो हम उसको एक सोर्स से नहीं बल्कि दो सोर्स, अभी तक हमने दो वेज आपको बता दिए, जैसे जियोलॉजिकल जो टाइम चार्ट से हम कंपेयर कर लेते हैं उसको, और दूसरा हम उसकी ऑथेंटिक वे में रेडियो एक्टिव डेटिंग कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कितना पुराना है। ठीक है, तो ओके, गुड लक।